दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म दीवाना से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। इस वीडियो के लिए आप में से ही बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। दीवाना एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसको रिलीज किया गया था 25 जून 1992 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे ऋषि कपूर, शाहरुख खान, दिव्या भारती और अमरीश पुरी, और ये शाहरुख खान की बॉलीवुड में पहली डेब्यूट मूवी थी। हालांकि शाहरुख खान ने बॉलीवुड में सबसे पहले फिल्म दिल आसना है की शूटिंग स्टार्ट की थी, जिसको हेमा मालिनी डायरेक्ट कर रही थी, और पहले यही शाहरुख खान की बॉलीवुड में डेब्यूट मूवी होने वाली थी। लेकिन किसी कारणवश ये फिल्म रिलीज होने में डिले हो गई और दीवाना शाहरुख खान की बॉलीवुड में पहली डेब्यूट मूवी बनी। हालांकि इन दोनों ही फिल्मों में उनके अपोजिट एक्ट्रेस दिव्या भारती ने काम किया था और फिल्म दीवाना के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यूट का फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया था। और 1992 में ही शाहरुख खान की दीवाना और दिल आसना है के बाद चमत्कार और राजू बन गया जेंटलमैन जैसी फिल्में भी रिलीज हुई थी। हालांकि शाहरुख खान ने बॉलीवुड में आने के पहले अपना एक्टिंग करियर टेलीविजन से स्टार्ट किया था, जिनमें से उनके कुछ फेमस टेलीविजन शो हैं 1988 में आया फौजी, दिल दरिया, सर्कस और ईडियट। दीवाना फिल्म को डायरेक्ट किया था राज कंवर ने, जो कि उनकी एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में पहली डेब्यू मूवी थी। हालांकि राज कंवर इसके पहले बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर शेखर कपूर और राजकुमार संतोषी के साथ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके थे, और फिल्म दीवाना के बाद उन्होंने बॉलीवुड में लाडला, जान, जीत, जुदाई, दाग द फायर और इसके अलावा भी बहुत सारी सुपरहिट मूवीज बनाई हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र के कजन गुड्डू धनोवा ने, जो कि उनकी एज ए प्रोड्यूसर बॉलीवुड में पहली मूवी थी। इसके बाद गुड्डू धनोवा ने सनी देओल और बॉबी देओल को लेकर काफ़ी सारी हिट मूवीज़ को डायरेक्ट भी किया था, जैसे कि सनी देओल की फिल्म जिद्दी और बॉबी देओल की फिल्म बिच्छू। और भी बहुत सारी मूवीज़ में उन्होंने एज ए डायरेक्टर काम किया था। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने और लिरिक्स लिखे थे समीर ने, और लगभग 46 मिनट की लेंथ के टोटल 8 गाने इस फिल्म में रखे गए थे। फिल्म के ज़्यादातर गाने कुमार सानू ने गाए थे, इनके अलावा विनोद राठौर, अलका याग्निक और साधना सरगम ने भी कुछ गाने गाए थे, और इस फिल्म के सारे गाने उस साल सुपरहिट साबित हुए थे। फिल्म के कुछ गाने जैसे सोचेंगे तुम्हें प्यार, ऐसी दीवानगी, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार, पायलिया, तेरी इसी अदा पे सनम, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, और शाहरुख खान का बॉलीवुड में पहला डेब्यूट सॉन्ग कोई ना कोई चाहिए, ये सारे के सारे गाने लोगों के द्वारा बहुत पसंद किए गए थे और इन गानों को लोग आज भी सुनना बहुत पसंद करते हैं। इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम की लगभग 80 लाख कैसेट सेल की गई थी और ये उस साल का हाईएस्ट सेलिंग म्यूजिक एल्बम बन गया था। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण और कुमार सानू की जोड़ी ने लगातार 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। 1990 में आई फिल्म आशिकी के लिए, 1991 में आई फिल्म साजन के लिए और 1992 में आई फिल्म दीवाना के लिए। हालांकि कुमार सानू ने इसके बाद लगातार 2 और फिल्मों के लिए फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीता था। फिल्में थीं 1993 में आई बाजीगर और 1994 में आई 1942 अ लव स्टोरी। हालांकि इनमें से एक के म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक थे और एक के आरडी बर्मन थे। साथ ही फिल्म दीवाना में बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड समीर को मिला था। अब बात करते हैं इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो फिल्म के बजट की एग्जैक्ट डिटेल तो मुझे नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी इस फिल्म का एक अप्रोक्सीमेट बजट लगभग 3 करोड़ के आसपास रखा गया था, और इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 7 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड मिला के लगभग 14 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, और ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। साथ ही साथ ये 1992 की दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। पहले नंबर पर थी अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म बेटा, और 3 घंटे 5 मिनट की इस फिल्म को 6.8 out of 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म में पहले शाहरुख खान वाला रोल अरमान कोहली प्ले करने वाले थे, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर से उनकी बहस हो जाने के कारण इस फिल्म के पहले ही शेड्यूल में वो इस फिल्म से बाहर हो गए। एक्चुअली पूरी बात ये थी कि स्टार्टिंग में अरमान कोहली को प्रोड्यूसर शबनम कपूर ने अपनी 2 फिल्मों के लिए कास्ट किया था। पहला 1992 में आई जीतेंद्र और रेखा की फिल्म इंसाफ की देवी में लीड एक्टर के तौर पर, और दूसरा फिल्म दीवाना में शाहरुख खान वाले कैरेक्टर के लिए। लेकिन अरमान कोहली की शबनम कपूर से बहस हो जाने के कारण उन्हें फिल्म इंसाफ की देवी में लीड एक्टर से बाहर कर दिया और बोला कि अब वो केवल दीवाना में एक साइड रोल प्ले करेंगे, जिसको प्रोड्यूस कर रहे थे गुड्डू धनोबा और शबनम कपूर के पति ललित कपूर। लेकिन बाद में अरमान कोहली के पिता राजकुमार कोहली ने शबनम कपूर से बोला कि अरमान कोहली को या तो दोनों फिल्मों में कास्ट कीजिए या फिर दोनों फिल्मों से बाहर कर दीजिए, और इसके बाद अरमान कोहली को इन दोनों ही फिल्मों से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद सनी देओल के पिता धर्मेंद्र ने अपने कजन गुड्डू धनोबा, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उनको शाहरुख खान का नाम रिकमेंड किया,
क्योंकि शाहरुख खान फिल्म दीवाना के पहले फिल्म दिल आसना है की काफी सारी शूटिंग कर चुके थे, जिसको धर्मेंद्र की वाइफ हेमा मालिनी डायरेक्ट कर रही थी, और इस तरह से शाहरुख खान को फिल्म दीवाना के लिए कास्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 3, ऋषि कपूर को इस फिल्म का एक गाना ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और वो चाहते थे कि ये गाना उनके ऊपर फिल्माया जाए, और इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बहुत रिक्वेस्ट की। लेकिन बाद में फिल्म के डायरेक्टर राजकंवर ने उन्हें समझाया कि इस गाने के लिरिक्स केवल शाहरुख खान के कैरेक्टर पर सूट करते हैं, इसलिए ये गाना शाहरुख खान के कैरेक्टर पर फिल्माना ही ठीक रहेगा, और बाद में इसको शाहरुख खान और दिव्या भारती के ऊपर फिल्माया गया था। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म के मेकर्स पहले इस फिल्म का क्लाइमैक्स चेंज करने का प्लान कर रहे थे, जहां पर दिव्या भारती बाद में अपने पहले पति के पास वापस चली जाती हैं, लेकिन ऋषि कपूर ने फिल्म के मेकर्स को बोला कि उनके कैरेक्टर का लास्ट में मर जाना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और दिव्या भारती अपने पहले पति के पास वापस आ जाती हैं, तो ये लोगों को कुछ ऐसा लगेगा कि दिव्या भारती तीसरी बार शादी कर रही हैं, और ऋषि कपूर को लगा कि दिव्या भारती का ये कैरेक्टर लोगों को पसंद नहीं आएगा। और बाद में ओरिजिनल क्लाइमैक्स में ऐसा ही रखा गया था, ऋषि कपूर का कैरेक्टर लास्ट में मर जाता है और दिव्या भारती और शाहरुख खान एक साथ रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, शाहरुख खान उस टाइम पर एकदम न्यू कमर थे, लेकिन ऋषि कपूर उस टाइम पर बहुत ही फेमस और जाने माने एक्टर थे, इसलिए फिल्म के प्रोड्यूसर्स को लग रहा था कि लोग पता नहीं शाहरुख खान की मूवी देखने के लिए थिएटर्स में आएंगे या नहीं, इसलिए फिल्म के प्रमोशंस में और हर जगह पोस्टर्स में ऋषि कपूर को ज़्यादा अपीयरेंस दिया गया था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखने के लिए आएं। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने जब शाहरुख खान को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया, तो उस टाइम पर शाहरुख खान काफ़ी कन्फ्यूज थे और ये सोच रहे थे कि इस फिल्म को करें या ना करें, क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स भी उस टाइम पर एकदम नए थे और शाहरुख खान को लगा कि पता नहीं ये फिल्म ए ग्रेड है या बी ग्रेड है। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में ऋषि कपूर को भी साइन कर लिया गया है, तो इसके बाद शाहरुख खान ने तुरंत इस रोल को करने के लिए हाँ बोल दिया। हालांकि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर्स और शाहरुख खान के बीच काफ़ी कहासुनी हुई थी। शाहरुख खान ने ये आरोप लगाया था कि उन्हें जितना पेमेंट फिल्म में दिया जाना था उतना बाद में नहीं दिया गया था, और शाहरुख खान ने इस बारे में काफ़ी इंटरव्यूज में उस टाइम पर बात की थी। फैक्ट नंबर 7, फिल्म दीवाना को कनाडा में रिलीज नहीं किया गया था, क्योंकि 1982 से कोई भी हिंदी फिल्म कनाडा में रिलीज नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में शाहरुख खान की ही 1992 में आई फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन को कनाडा में रिलीज किया गया था, और ये शाहरुख खान की पहली फिल्म थी जो कनाडा के थिएटर्स में रिलीज हुई थी, और इसके बाद से शाहरुख खान को ओवरसीज मार्केट्स में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा था, और शाहरुख खान का ओवरसीज मार्केट्स में इतना ज़्यादा क्रेज था कि एक टाइम पर शाहरुख खान की मूवीज वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करती थी, और आज भी शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी फॉरेन में बहुत ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस के तौर पर माधुरी दीक्षित पहली चॉइस थी, लेकिन माधुरी दीक्षित इस फिल्म की शूटिंग के लिए डेट्स नहीं दे पा रही थी, जिसके बाद इस फिल्म में दिव्या भारती को कास्ट किया गया था, और इस फिल्म में दिव्या भारती ऋषि कपूर के अपोजिट हमें नजर आई थी, जो कि उस टाइम पर ऋषि कपूर से 22 साल छोटी थी। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म में ऋषि कपूर और दिव्या भारती की शादी के टाइम पर बैकग्राउंड में एक गाना सुनाई देता है, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। ये गाना एक्चुअली ऋषि कपूर की ही सन 1989 में आई फिल्म चांदनी का था, और इन दोनों ही फिल्मों दीवाना और चांदनी में ऋषि कपूर की माँ का कैरेक्टर सुषमा सेठ ने प्ले किया था। साथ ही साथ इस फिल्म में दिलीप तहल शाहरुख खान के पिता बने हुए नजर आते हैं, और इस फिल्म के एक साल बाद रिलीज हुई फिल्म डर में भी वो शाहरुख खान के पिता बने हुए नजर आए थे। फैक्ट नंबर 10, फिल्म दीवाना में शाहरुख खान पर फिल्माए गए गाने कोई ना कोई चाहिए। इस गाने के स्टार्टिंग का म्यूजिक लिया गया था सन 1989 में आए एक इंग्लिश सॉन्ग बर्ड बॉय के स्टार्टिंग म्यूजिक से, और बाद में इसी म्यूजिक का यूज किया गया था फिल्म कांटे के गाने जाने क्या होगा रामा रे इस सॉन्ग में। साथ ही साथ फिल्म दीवाना के सीन्स में बैकग्राउंड का जो म्यूजिक है वो पूरा का पूरा मैच होता है अजय देवगन की सन 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से। बर्ड बॉय के म्यूजिक की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां पे आप इसको प्ले करके देख सकते हैं कि कितनी कुछ सिमिलरिटीज हैं इन दोनों सॉन्ग्स में। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म दीवाना से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस फिल्म के हिट सॉन्ग्स में से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा सॉन्ग आया था हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो का आपको मैसेज मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।